कत्तर शेख गुस्से में ये क्या बोले, वो लोग 420 हैं। ऐसा क्यों बोलना पड़ा उनको, मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हमारे चैनल में दी जाती है। तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो वीडियो क्लिप दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं इनके बारे में, कि ये जो है टिकटॉक स्टार हैं और इनका टिकटॉक पे भी चैनल है। आप टिकटॉक पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका इनका जो विचार होता है लेबर भाइयों के लिए होता है, जो भी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए होता है। तो प्लीज़ जाके उनको फॉलो कीजिए, उनके बारे में समझिए, उनके बारे में जानिए, ताकि हमको भी मोटिवेट मिल सके और उनको भी मोटिवेट मिल सके और आप लोगों को भी मोटिवेट मिल सके। आप लोग जितना हमको सपोर्ट करेंगे, आपको उतना ही अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जाइए, पहले आप इनका चैनल, पहले आप इनका वीडियो देखिए। और जो वो आदमी लोग बोलते हैं ये खाली वाली वीजा, हम परेशान ये नाम से खाली वाली वीजा, हम तुम लोग को कसम देते हैं जो खाली वाली वीजा है उसके पास, वो उसका स्पॉन्सर को देखा है, उसका कफील को देखा है, हम कसम खा सकते हैं वो नहीं देखा है, क्योंकि ये लोग सब 420 लोग हैं और वो कफील तो नहीं जानते, उसका पैसा मिलते वो साइन करते, जो उसका नीचे होता है, जो तुम लोग जानते हो उन लोग को, वो लोग चोर भी है। हमको कोई माइकलाल बताओ कि उसका पास खाली वाली वीजा है और उसका कफील को देखा हुआ है या उसका स्पॉन्सर को देखा हुआ है। हमारा हम शर्त लगाएगा कि वो नहीं देखा हुआ है, क्योंकि वो भी खबर भी नहीं क्या बात हो रहा है। तो तुम लोग खुदा से डरो, ये काम नहीं करो, गरीब लोग का पैसा मत खाओ, तुम लोग भी थोड़ा अकल करो, जो भी करेगा अकल से करो। ये अल्लाह क्यों तुमको दिया है, आंख क्यों दिया है, मुंह क्यों दिया है, तुम पूछो या फिर पूछो, बोलो ये गलती है, वो गलती है, तुम लोग क्यों ऐसे नहीं पूछते और सब चीज़ करते हैं, और आखिर बोलेगा कफील हरामी है। जब तुम लोग खुद नहीं सोचते तो लाजम कफील हरामी होगा। वीडियो देखने के बाद आपको, इनका वीडियो देखने के बाद आपको क्या शिक्षा मिला? आपको अगर कोई भी, अगर थोड़ा सा भी आपको, अगर इनकी बात में सच्चाई है और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं इनकी बात में दम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेट हमको भी मिल सके, आपको भी मिल सके। और इनकी बात में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी क्या राय बनती है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल में कतर से जितने भी जानकारी होती है हमारे चैनल में दी जाती है, जैसे कि वीजा के बारे में, QVC मेडिकल के बारे में, और भी तमाम तरह के जो कानून आते हैं, जो भी मतलब कि कतर में जो जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, सारी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नीच किस्म का आदमी, नीच राजनीति, तू जाके चाय बेच। चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। खून की दलाली, मौत का सौदागर, कब तक और कहां तक? एक मेहनत से आगे बढ़े इंसान, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो इतने अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ में आज उनके प्रवक्ता राष्ट्र चैनल पे आके माफी मांगने की जगह झूठा ठहराते हैं नरेंद्र मोदी जी को। इस पार्टी के लिए सही जवाब क्या होगा? इतना दुख है आज मुझे कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मेहनत से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी, जो इस देश को, इस देश की रिसोर्सेज को, इस देश के नागरिक को अपना फीफडम समझती है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती है, इस देश पे राज करना अपनी पर्सनल राइट समझती है, आज वो पार्टी हमारे देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को, जिसकी देश विदेश में इतनी पहचान है, नीच शब्द का प्रयोग करते हैं, झूठा भी बोलते हैं। मेरा आप सबसे
एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के इस देश के नागरिक की तरह 9 तारीख और 14 तारीख को मत से समझाइएगा कांग्रेस पार्टी को कि मेहनत, खून पसीने से की हुई मेहनत का असल में फल क्या होता है। इस देश के हर नागरिक का हक है आगे बढ़ने का, इस देश का हर नागरिक का हक है इस देश की सेवा करने का, चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का और देश की सेवा भी करने का। धन्यवाद।